ये आवाज़ सुनना, आवाज़ आ रही है? देखो एकदम क्रिस्प है, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद में इसमें सर पनीर, पनीर भी आएगा इसके ऊपर से। अरे यार सही है, सही है। हाइजीनिक, इन चीजों का भी साफ सुथरा, हाइजीन, हेल्दी, सब कुछ एक्चुअली आप सामने देख ही सकते हैं। जैसे सामने यहाँ पर कुछ भी नहीं है कि यहाँ किचन में नो एंट्री लिखा हुआ है। कस्टमर यहाँ खुद से जा करके भी बता सकते हैं कि भैया ये डालिए ये मत डालिए। गर्मा गर्म आपको वड़ा मिलेगा। बहुत जगह क्या होता है वड़ा छान के रखते हैं पहले से। हम लोग तो गर्मा गर्म देते हैं सर, गर्मा गर्म दे रहे हैं। ये देखिए, कुछ टाइम पहले हमने इस आउटलेट की एक वीडियो बनाई थी द स्ट्रीट टेस्ट की, आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ उसका। लेकिन आज फिर से यहाँ पे आने का मतलब क्या हुआ, यहाँ की वीडियो नहीं बना रहे हैं। क्यों नहीं बना रहे हैं? क्योंकि आइए इधर पास, इधर आइए। भैया ने इसके जस्ट बगल में एक और आउटलेट शुरू कर लिया। इनकी वीडियो इतनी ज़्यादा चल गई, इतना प्रॉफिट हो गया कि इन्होंने एक और आउटलेट खोल लिया है। बट जोक्स अपार्ट, तो हम लोग यहाँ पे एक्चुअली आए हैं क्योंकि द स्ट्रीट टेस्ट के जस्ट बगल में आदित्य भैया ने ही शुरू किया है फूडी पैराडाइज नाम से एक नया आउटलेट, जिसमें कि साउथ इंडियन सर्व किया जा रहा है। अच्छा, इस आउटलेट की खासियत ये थी कि स्टूडेंट फ्रेंडली, सस्ता खाना, टेस्टी खाना प्रोवाइड करते थे। अब आज हम लोग आए हैं चेक करने कि साउथ इंडियन में भी क्या इनका हाथ उतना ही मजबूत है, क्या ये उतनी अच्छी चीज़ें दे रहे हैं। तो बस, मेरा नाम है रॉबिन, आप देख रहे हैं फूडी रॉबिन। आज हम लोग आए हैं अटल पथ पे, और एड्रेस वड्रेस सर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका गूगल मैप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर टेस्ट करेंगे कुछ साउथ इंडियन डिशेज, जिसमें कि उत्तपम भी है, डोसा भी है, इडली भी है, वड़ा भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आइए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और आदित्य भैया से भी पूछेंगे कि भाई ऐसा क्या क्या आपने कितने ज़्यादा पैसे कमा लिए कि दो दो आउटलेट डाल लिया। एनीवे चलिए आइए चलते हैं। तो गाइज हम लोग अभी हैं अटल पथ पे, आदित्य भैया हमारे साथ है। इससे पहले भी हमने इनके साथ स्ट्रीट टेस्ट की एक वीडियो बनाई थी, बहुत ही बढ़िया टेस्ट था उसका। तो आदित्य भैया स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल पर पहले। थैंक यू। और जैसे ये वाली तो आपकी शॉप थी ही पहले से, इसमें आप पराठा वराठा का बड़ा अच्छा आइडिया लेके आए थे, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट सब सर्व कर रहे थे। नया आउटलेट जो आपने साउथ इंडियन का खोला, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। एक्चुअली क्या है कि साउथ इंडियन का खोलने का मेरा मेन मोटो यही था कि कस्टमर का नीड, जहाँ तक हम देख रहे थे पूरे अटल पथ में कहीं भी साउथ इंडियन का एक अच्छा करियर है नहीं। इंडियन चाइनीज़ वगैरह तो हर जगह आपको मिल जाते हैं, बट एक अच्छा साउथ इंडियन का आउटलेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और बहुत सारे कस्टमर्स लोग का कहना रहता था कि भैया आप लोग इंडियन चाइनीज़ इतना अच्छा दे रहे हैं तो वाई नॉट साउथ इंडियन। तो फिर काफ़ी सोच विचार करके फिर हम लोगों ने शेयरिंग में हम लोगों ने स्टार्ट किया। अच्छा, ये हाँ, ये आउटलेट हमारा शेयरिंग में है, तो ये हम लोगों ने शेयरिंग में स्टार्ट किया फूडी पैराडाइज फ्रॉम साउथ टू माउथ। साउथ टू माउथ, क्या बात है। और ये भी हमारा लाइव किचन कॉन्सेप्ट है, यहाँ भी हम लोगों का जो भी आइटम बनेगा वो इंस्टेंट बनेगा सामने में। डोसा तो ऑलरेडी लाइव रहता ही है, अगर आप इडली, मेदू वड़ा, उत्पम, ये सब भी हम लोगों का लाइव रहेगा, बना करके कुछ भी नहीं रहेगा यहाँ पर। वड़ा जनरली क्या होता है, लोग पहले से बना करके रखते हैं, आप सामने बना वो भी हमारा कस्टमर के सामने तैयार होगा, कस्टमर के सामने बनेगा। तो बेसिकली हम लोगों का ये भी लाइव किचन कॉन्सेप्ट है। दूसरा चीज़ क्या है कि वाई फूडी पैराडाइज इज डिफरेंट फ्रॉम अदर साउथ इंडियन आउटलेट, तो उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि मसाले, साउथ इंडियन में सबसे मेन रोल होता है मसालों का। बिल्कुल, बिना मसालों के साउथ इंडियन का कोई टेस्ट नहीं है, चाहे वो डोसा हो, चाहे वो इडली हो, चाहे वो वड़ा हो, चाहे वो सांभर। तो मसाले हमारे यहाँ होममेड है, मसाले सारे खुद से बनाए जा रहे हैं, बाजार का कोई भी मसाला नहीं। अच्छा है जी, जो भी मसाला हम लोगों का यहाँ पर अपना खुद मतलब बना रहे हैं, सेल्फ हमारे जो शेफ हैं वो खुद से मसाले तैयार कर रहे हैं, और जो भी बनेगा कस्टमर के सामने बनेगा, लाइव बनेगा, कितना मसाला डालना है, बहुत अच्छा चीज़ है। कि जैसे पिछले बार जो हमें पता है स्ट्रीट वाला टेस्ट आपको यहाँ मिलेगा और साफ सुथरे तरीके से मिलेगा। एग्जैक्टली। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, बहुत लोग जो नए हैं, प्योर वेज है, ठीक है, आपकी डिमांड होती है ना कि वेज 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 आउटलेट दिखाइए, तो दोनों ही आउटलेट प्योर वेज हैं और यहाँ पे आपको वेज खाना मिलेगा क्या? एग्जैक्टली जी। और साउथ इंडियन में तो वैसे भी वेज ही रहता है, साउथ इंडियन में तो नॉन वेज रहता नहीं है, बट क्या है कि यहाँ वेज के साथ साथ हाइजीनिक, इन चीज़ों का भी साफ सुथरा, हाइजीन, हेल्दी, सब कुछ एक्चुअली आप सामने देख ही सकते हैं। सामने यहाँ पर कुछ भी नहीं है कि यहाँ किचन में नो एंट्री लिखा हुआ है, कस्टमर यहाँ खुद से जा करके भी बता सकते हैं कि भैया ये डालिए ये मत डालिए। तो कोशिश हमारा यही है। बाकी हम लोगों ने एक चीज़ और किया है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये बेसिकली स्टूडेंट एरिया है, तो मेन हमारा स्टूडेंट टारगेट रहता है, बट नॉट ओनली स्टूडेंट्स, फैमिलीज़ के लिए भी हम लोगों ने अभी डिस्काउंट स्टार्ट किया है कि 10-15% का फ्लैट डिस्काउंट है सारे मेन्यूज़ पे, ऑल आइटम्स सारे, डोसा हो गया, इडली हो गया, मेदू वड़ा, उत्पम, पाव भाजी, सब पे हमारे डिस्काउंट 10-15%। और ये क्या कोई सर्टेन ड्यूरेशन तक के लिए? नहीं, अभी फिलहाल इसका कोई ड्यूरेशन चलेगा नहीं है, अभी ये चलेगा। वैसे भी आपकी क्वालिटी प्रोडक्ट की बहुत अच्छी रहती है, और इनफैक्ट हमारे भी जितने सब्सक्राइबर्स, क्योंकि क्या होता है वीडियो बनाते हैं तो बहुत सारे लोग, अभी भी जो लोग देख रहे होंगे उसमें से कई लोग आएंगे यहाँ पे टेस्ट करने, तो जब इनका फीडबैक आता है ना तो अच्छा लगता है। बिल्कुल, आपके काफ़ी सब्सक्राइबर्स लास्ट ईयर दशहरा के टाइम में बहुत लोग आए थे, बहुत लोगों ने पसंद किया और बहुत लोगों ने अप्रेस किया कि नहीं फूडी रॉबिन्स के हम लोग
बहुत ज़्यादा ही फ़ैन है उनके प्रोडक्ट वगैरह, हम लोग जहाँ जहाँ वो रिकमेंड करते हैं हम लोग खाते हैं, और जो दिखता है उनके वीडियो में वही चीज़ यहाँ मिलता है। ऐसा नहीं कि वीडियो में दिखाने के लिए कुछ स्पेशल किया जा रहा है और लाइव में अलग चीज़ मिल रहा है। नहीं नहीं यही तो ये चीज़ आपकी वीडियो में एक प्लस पॉइंट रहता है, कस्टमर्स उनको अप्रेज भी करते हैं। बहुत अच्छा। मेरा देख कोशिश यही रहता है, क्योंकि ये सब लोग जो देख रहे हैं ना कहीं पैसा खर्च करते हैं अपने हार्ड एंड मनी, तो किसी ऐसी चीज़ को वाह बहुत अच्छा है exactly. ये नहीं हो पाता, ठीक है। बट ठीक है, हमारी भी लिमिटेशन है, आप आउटरेटली कहीं ख़राब भी नहीं बोल पाते ये भी एक दिक्कत। बट एनीवेज आप आइएगा, ट्राई कीजिएगा। अच्छा एड्रेस तो अटल पथ क्या बोलेंगे? सेम एड्रेस, ये अटल पथ है, शिवपुरी नियर गंजी फैक्ट्री है। अगर आप हड़ताली मोड़ से आ रहे हैं तो शिवपुरी सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी थोड़ा सा आगे, सब्जी मंडी से 100 मीटर आगे रोड पर ही है। और गूगल पर भी मिल जाता है। गूगल पे भी अगर आप स्ट्रीट टेस्ट सर्च करेंगे या फूडी पैराडाइज तो आपको मिल जाएगा। अगर आप दीघा से आ रहे हैं तो राजीव नगर होते हुए आप आराम से आ सकते हैं, सर्विस रोड पकड़ के, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है लेफ्ट राइट। और टाइमिंग क्या रखी आप? टाइमिंग हमारा वही 10 to 10 की सर्विस है, 10 to 10 का। बिल्कुल। चलिए बस। अच्छा स्विगी जोमेटो पे है अभी? स्विगी जोमेटो पे अब आ जाएगा, आ जाएगा। हाँ, 15 से 20 तो है, स्ट्रीट टेस्ट तो है ही, 15 से 20 दिन में वो आप ये भी आ जाएगा फूड। चलिए बहुत बढ़िया। तो गाइस बस बातें हो गई बहुत सारी, अब डोसा वोसा की तैयारी कराते हैं। शेफ उधर एकदम तैयार है कि भाई आइटम आपका जो भी है जल्दी जल्दी लगाते हैं। तो चलिए टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि जो नया आउटलेट है इसमें जो खाने की क्वालिटी है या खाने का टेस्ट है वो कैसा है। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। तो चलिए गाइस उत्तपम की तैयारी हो रही है और उत्तपम बनने जा रहा है हमारे लिए। तो ये आया जी उत्तपम। अच्छा उत्तपम क्या था? थोड़ा मोटा सा होता है और मोटा सा होता है, इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स जाते हैं। वेजिटेबल जाते हैं सर। क्या बात है। तो ये आ गया, इसमें सर मैं टमाटर डाल दिया हूँ, टमाटर, गाजर है सर, गाजर, उसके बाद शिमला मिर्च, बहुत बढ़िया, उसके बाद थोड़ा सा मटर, मटर भी, हाँ ग्रीन भी डाल दिया। इसके बाद मैं इसमें सर पनीर, पनीर भी आएगा इसके ऊपर से? अरे यार सही है, सही है, स्पेशल वाला है ना ये? स्पेशल वाला है सर। चलिए और ये उसके बाद हरी मिर्च, ये आ गई हरी मिर्च आ गई इसके ऊपर। उसके बाद मैं अदरक डाल दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा काजू, काजू भी, अरे वाह भाई काजू भी, मतलब फुल्ली लोडेड है एकदम ये। उसके बाद मैं धनिया पत्ता, मैं धनिया पत्ता ऊपर से हल्का सा गार्निश कर दिया आपने, गार्निश कर दिया हूँ। तो ये इसी तरह से पकेगा फिर ना? हाँ भाई धीरे धीरे पकेगा ये अब। अच्छा उत्तपम में गाइस मेरे को क्या पसंद आता है सबसे अच्छा कि वेजिटेबल्स बहुत सारे आते हैं, वेजिटेबल बहुत सारे आते हैं। और यहाँ पर तो देखो काफ़ी पनीर वनीर भी डाला गया, और 180 रुपये इसका प्राइस है ना सर? बस 180 रुपये का ही आपको मिलेगा बस। ऐसे अगर उत्तपम बात करें तो स्टार्टिंग प्राइस की अगर बात करते हैं हम लोग तो आपको 150 रुपये से शुरू हो जाता है ओनियन उत्तपम के साथ, ठीक है। 150 है, फिर मिक्स उत्तपम है, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा जो मेन्यू है ना, ये मेरे सामने देखो मेन्यू ये है, तो इसका भी जो PDF है ना वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आइटम, देखो डोसा में भी कई सारी चीज़ें हैं, इडली में भी काफ़ी कुछ है, उत्तपम में है, नीचे पाव भाजी है। तो अरे वाह ये देखो इधर डिज़ाइनिंग अच्छी है। तो इसको नाम है, इसका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा देता हूँ। फिलहाल जरा उत्तपम को देखा जाए, हल्का हल्का धीरे धीरे ये पक रहा है। हाँ धीरे धीरे हल्का हल्का। ओ वाह क्या बात है, ये देखो कलर कितना अच्छा है, देखो गोल्डन कलर जो आया है बहुत ही शानदार दिख रहा है ये। अच्छा ये ऐसे क्यों किया आपने तोड़ने का? ये सर इसलिए कि अंदर से पक जाता है, इसके मैं बटर भी थोड़ा डाल रहा हूँ। अच्छा अच्छा अमूल बटर, देखो कितना यूनिक है ये, अंदर तक बटर चला जाएगा इसके। और बटर भी एक बार दिखा दीजिए हमारे यहाँ व्यूअर्स को कि जो क्वालिटी। अच्छा देखो ये न्यूट्रालाइट का बटर यूज़ किया जा रहा है, बहुत ही अच्छा। और ये शायद लो फैट वाला बटर होता है, काफ़ी अच्छा ये देखो। और बटर की खुशबू ना मज़ा आ जाता है यार, बटर की खुशबू एकदम मस्त। वाह ये आया, वाह जी वाह, ये देखो ऊपर से हल्का सा सील कर दिया इन्होंने बस सिर्फ, जैसे इसको तवे पे डाल के देखो बहुत ही हल्का सा कलर आया है और एकदम सील हो गए सारी चीज़ें ऊपर से। इसके बाद सर ये पनीर ग्रेटर में कर दिया हूँ, ऊपर से और पनीर आ गया। बस 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 थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए। अच्छा वाह जी वाह, स्पेशल मतलब दाम ले रहे हैं आप तो, पूरा माल दे रहे हैं, पूरा माल दे रहे हैं सर। ये उत्तम तैयार हो गया सर, रेडी है उत्तम अपना। चलो जी ये आ गया उत्तपम रेडी, ये हो गया सर उत्तम। ये सांभर वड़ा है सर, वड़ा? हाँ वड़ा। जरा वड़ा का एक बार बैटर दिखाइएगा सर,
ये क्या दाल से बनाते हैं? ये उड़द दाल है। अच्छा, इसमें मिर्ची है, हरा मिर्च है, अदरक है, थोड़ा अच्छा, गोलकी अच्छा। है, जीरा है, नमक है। अच्छा जी, ये सब इसमें मिलाकर तो ये इस तरह से बैटर बना लिया। हाँ हाँ, अच्छा ये? तो जैसा कि अभी भैया बता रहे थे कि गर्मा गर्म आपको वड़ा मिलेगा। बहुत जगह क्या होता है वड़ा छान के रखते हैं पहले से। हम लोग तो गर्मा गर्म देते हैं सर, गर्मा गर्म दे रहे हैं। ये देखिए, तो ये यहाँ पे इस तरह से हाथों में गोल गोल करके और ये बीच में डाल। अच्छा जी, ये बीच में एक होल कर दिया। हाँ हाँ, जैसे देखने में सुंदर लगता है सर। हाँ हाँ, वड़ा में जनरली ये होल रहता है, इस तरह से डिजाइन भी बन जाता है। ये देखो जी, ये बहुत ही अच्छा ये हो गया सर, बहुत बढ़िया। एक प्लेट में दो पीस रहता है ना? दो प्लेट में दो पीस। और ये सांभर के साथ देते हैं? सांभर सांभर है, चटनी है। हमारे यहाँ सर बहुत भीड़ रहते हैं, अभी तो थोड़ा कम है मगर भीड़ अच्छा रहता है। ये देखो, और सब कुछ देखो कितना साफ़ सुथरा है। देखो जैसे कि ओपन किचन है और आप यहाँ से देखो हर चीज़ अच्छे से सजाई हुई है, साफ़ सुथरा है, हाइजीनिक है पूरा। सफाई पर ज़्यादा ध्यान है सर। हाँ ज़रूरी भी है, खाने पीने की चीज़ें। हाँ, साफ़ सुथरी होनी चाहिए, साफ़ सुथरा रहना चाहिए सर। ये देखो क्या बात है, कितना सुंदर लग रहा है, कलर कितना सही आया है, बहुत ही बढ़िया, एकदम फुला फुला सा है ये। बहुत शानदार लग रहा है जी। तो यहाँ पे देखो गाइस, ये इडली भी इनकी तैयार है, तो आइए एक एक करके प्लेटिंग करवाते हैं। जरा इडली वड़ा और जो उत्तपम है वो हमारा, ये तीनों चीज़ को पूरा टेस्ट करके आपको बताते हैं। जो फर्स्ट राउंड की चीज़ें हैं वो हमारे सामने आ गई हैं। यहाँ पे गर्मा गर्म मेदू वड़ा और बहुत ही बढ़िया, ये देखो इसमें से दिख भी रहा होगा तो बहुत ही सुंदर, इसमें अंदर एक होल है। ये अपना इडली आ गई, सॉफ्ट है, ये देखो इडली बहुत ही बढ़िया, सॉफ्ट फ्लफी और अच्छी तरह से फर्मेंट हुआ है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। साथ में यहाँ पे देखो ये अपना आ गया जो उत्तपम था, मिक्स उत्तपम, मतलब स्पेशल उत्तपम, बहुत सारी चीज़ें गई हैं इसके अंदर। साथ में यहाँ देखो ये सांभर है, सांभर की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली है, थोड़ा और गाढ़ा करने के लिए मैं बोल दूँगा कि थोड़ा सा गाढ़ा कर सकते हैं। यहाँ पर ये है अपनी टमाटर और चिली वाली जो चटनी होती है वो तीखी वाली चटनी होगी ये, और यहाँ पर ये है नारियल वाली चटनी। आई गेस इसे नारियल और चने से बनाया जाता है, जो भूंजा होता है ना चना का, उससे बनाया जाता है। तो आइए ज़रा एक एक करके टेस्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले ना थोड़ा सा ये गर्मा गर्म वड़ा, आइए ज़रा इसे टेस्ट करते हैं। और बहुत ही क्रिस्प है, पास आओ दिखाता हूँ एक चीज़। ये देखो ये आवाज़ सुनना, आवाज़ आ रही है, देखो एकदम क्रिस्प है, बहुत ही बढ़िया। तोड़ के दिखाते हैं, आह ये देखो बहुत ही प्रॉपरली फर्मेंटेड, एकदम हल्का दिख रहा है, एकदम हल्का, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ऑथेंटिक। आइए ज़रा, वाह, आइए ज़रा इसे थोड़ा सा देखिए। टेक्निकली क्या करते हैं ना कि वड़े को सांभर में डुबा देते हैं, रख देते हैं, उसके जूसेस को खींचने देते हैं और फिर उसे खाते हैं। तो इसे थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ पे ऐसे डुबा देते हैं और खींचने देते हैं जूसेस को, तब तक आते हैं इडली की तरफ। तो ये इडली का एक छोटा सा टुकड़ा इसमें रख के और ज़रा टेस्ट किया जाए। अरे वाह, एक साउथ इंडियन की जो बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगती है, मतलब या जो आप ऑथेंटिक बनाते हैं, पहले तो एक खट्टा वाला फ्लेवर आएगा, मज़ेदार सा फ्लेवर, तो खट्टा है, थोड़ा सा तीखा है और मतलब बढ़िया चटपटा सांभर है ये। थोड़ा सा जो उत्तपम है, आइए ज़रा इसको भी टेस्ट करके देखा जाए। और ये देखो ज़्यादा मोटा नहीं रखा गया है, प्रॉपर है। ये वाली चटनी में डुबा के खाते हैं पहले, जो इनकी नारियल की चटनी है। प्रॉपरली क्रिस्प, ऊपर से बहुत सारे वेजिटेबल्स, ये चटनी है हल्की फुल्की है, नारियल और जो मैंने कहा था थोड़ा सा चना डाला हुआ है इसके अंदर, राइस है, छौंक लगाया गया है, बहुत ही बढ़िया। थोड़ी सी ये जो तीखी वाली चटनी है, ज़रा इसको भी टेस्ट करके देखते हैं और आपको बताते हैं। ये वाली चटनी तेज, चटक, लहसुन, मिर्ची, टमाटर, बेसिक इंग्रेडिएंट्स। और अब डोसा लगाने की तैयारी हो रही है, ज़रा आइए यहाँ आइए। ये देखो जिसे हमने डाला था जो वड़ा को इस तरह सांभर में डाला था, उसने बहुत अच्छे से सांभर को खींच लिया है और साइज़ में बड़ा हो गया ये। आइए ज़रा अब इसे टेस्ट करके आपको बताते हैं कि कैसा है। वाह देखिए, सबसे ज़्यादा तो बहुत सॉफ्ट है, फ्लफी है और
क्रिस्प है। सांभर के साथ मिलते हैं, एकदम टेस्ट में चार चांद लग गया है। तो बस अब इसको ख़त्म करते हैं, शेफ़ रेडी है वहाँ पे, तवे पे अब डोसा लगाया जाएगा, उसे टेस्ट करते हैं और फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। चलिए शेफ़, आप क्या बनाने जा रहे हैं? ये मसाला डोसा है सर। मसाला डोसा जी, पहले जो है थोड़ा सा इस पर मसाला डाल दिया हूँ। अच्छा, इसको हल्का सा गर्म होने है, गर्म होने, आलू वाला मसाला, आलू वाला मसाला, आलू है, वेजिटेबल भी इसमें रहता है। अच्छा, ये आ गया आपका डोसे का बैटर। ये डोसे का आ गया सर। ओहो, क्या बात, क्या बात, वाह जी वाह वाह। इसके बाद इस पर ऑयल, ये आ गया हल्का सा अपना जो रिफाइंड ऑयल होता है। हाँ, रिफाइंड ऑयल। आलू में देखिए थोड़ा सा मैं बटर डाल देता हूँ, थोड़ा सा बटर। हाँ, इससे बहुत टेस्ट अच्छा हो जाता है। हाँ, बटर तो भाई किसी चीज़ में डाल दो तो टेस्ट बढ़िया हो जाएगा, बढ़िया हो जाता है। जितना भी मसाला है सर, सब हम अपना बनाते हैं। हाँ हाँ, वो तो भैया ही बता रहे थे कि सारा मसाला खुद से। हाँ, खुद से मैं अपना सारा चीज़ अपना। इससे क्या होता है सर, क्रिस्पी डोसा हो जाता है। हाँ, और आप क्वालिटी भी मेंटेन रख पाते हो? हाँ, क्वालिटी भी मेंटेन। बाहर से हमारे यहाँ बहुत रहते हैं, बहुत भीड़ रहते हैं सर। हाँ, बहुत भीड़ रहते हैं सर। और कलर देखो कितना बढ़िया आया है इसके ऊपर से, एकदम सही सही गोल्डन कलर है। और इसे सांभर चटनी के साथ देते हैं ना? हाँ, सांभर चटनी है। तो अब कौन सा डोसा बनाने जा रहे हैं? ये पनीर पेपर डोसा बना रहे हैं। पनीर पेपर डोसा? हाँ, पनीर पेपर डोसा सर। तावे के ऊपर थोड़ा सा। अच्छा, ये पहले पनीर मसाले की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, मसाले की तैयारी। ये गया पहले टमाटर था, उसके ऊपर पनीर, पनीर के बाद अदरक मिर्चा धनिया पत्ता। ठीक है, इसमें थोड़ा सा इसमें आलू डालूंगा सर, बेस बनाने के लिए, टेस्ट बनाने के लिए, टेस्ट बनाने के लिए थोड़ा सा। जब तक डोसा बनेगा जब तक ये तैयार होगा, मतलब डोसे में आलू का होना तो जरूरी है। हाँ, आलू का, बाकी आप कुछ भी बनवा लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, आलू आलू बिना डोसा अधूरा है, अधूरा है सर। वाह, तो इधर अपना आलू वाला मसाला रेडी हो रहा है, पनीर आलू का। हाँ, और इधर पेपर डोसा बनाने की तैयारी की जा रही है। और यहाँ पे देखो एक सैंपल में टोपी डोसा ही बना हुआ है। टोपी स्टाइल में प्लेन डोसा रहता है ना सर, प्लेन डोसा है, टोपी डिजाइन बना देते हैं। अच्छा, प्लेन डोसा को ऐसे डिजाइन बना के देते हैं, बच्चा लोग बहुत पसंद करता है। हाँ, बड़ा अट्रैक्टिव लगता है देखने में भी, टोपी के शेप में, टोपी के शेप में। चलिए जी, ये अपना पेपर डोसा बनने की तैयारी में है, क्या बात है। अच्छा, ये तो उससे भी बड़ा बन रहा है। ये आ गया जी बटर, बटर आ गया। अच्छा, इसको बटर में बनाते हैं? हाँ, ये पेपर पनीर डोसा जो है बटर में ही बनता है। अच्छा, पनीर डोसा बटर में ही बनता है? हाँ, बटर में ही बनता है। मतलब अगर पैसे ले रहे हैं तो उसका ये भी? हाँ, उतना दे रहे हैं सर, उसमें इंग्रेडिएंट्स पूरा डाल रहे हैं। हाँ, मटेरियल पूरा डाल रहे हैं सर। अच्छा जी, और आपको बताया था ये जो अपना पेपर पनीर डोसा है ये 170 रुपये का है। ठीक है, और जैसे कि भैया ने बताया कि डिस्काउंट रहेगा हर प्रोडक्ट में, मतलब 170 है तो आपको 10-15% का डिस्काउंट यहाँ पे ज़रूर मिल जाएगा। और जो मसाला डोसा था वो 110 रुपये का था। हाँ, चलो जी, रेडी। अरे वाह, ये देखो अब आपको साइज़ का पता चल रहा होगा, देख लो यहाँ से लेकर सीधा वहाँ तक का है, और अच्छा खासा है इसका, मतलब बड़ा है ये, काफ़ी बड़ा है ये डोसा। हाँ, अभी आ गया बीच में इसके पनीर और स्टफिंग, आलू मसाला, आलू मसाला जो था पनीर आलू मसाला वो आ गया। अब इसको मैं इसे रोल कर देंगे इसे। सही, ये सही हो गया। वाह, ग्लेज देख रहे हो आप, ये देखो, ये देखो, ये ग्लेज देखो, पनीर, अरे चीज़ ग्रेटर, क्या बात है, ये हो गया से भी पनीर। ये हो गया सर, खतरनाक है गाइस, खतरनाक, और बहुत सही दिख रहा है, अल्टीमेट है, अल्टीमेट। देखिए उत्तपम वड़ा हमने ट्राई कर लिया, इडली भी साथ में ट्राई कर ली थी, अब आ गया हमारा डोसा। तो यहाँ पर है ये, आप देखो ये वाला जो है ये है मसाला डोसा, और देखो ये कितना क्रिस्प है, देख रहे हो, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसको खाएंगे आगे। यहाँ पर ये देखो, ये अपना पेपर पनीर पेपर डोसा है। ठीक है, इसे भी ये देखो, ये देखो, दिख रहा है एकदम क्रिस्प, मज़ेदार। साथ में आप देखो यहाँ पर तीन तरह की चटनी, वही वाली मिली है, लाल वाली, ये अपना नारियल वाली चटनी, और इस तरफ आओगे तो ये है अपना सांभर। तो आइए ज़रा अब इसे टेस्ट करके बताते हैं। बीच में वाह, मसाले के साथ जनरस अमाउंट में इसके अंदर देखो आलू वालू सब डाला हुआ है, थोड़ा सा ये, एक मिनट, थोड़ा सा मसाला, ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे सांभर के साथ इसे टेस्ट करके बताता हूँ। जो ये सांभर भैया
जैसा आपने पहले बताया था। बढ़िया, जो ये आलू है इसमें आपको एकदम ट्विस्ट मिलेगा। जैसे देखिए, जनरल जो साउथ इंडियन होता है उसमें आपको चने के दाल का हल्का सा क्रंच मिलेगा, राई का फ्लेवर हो रहा है, इसमें वो तो है ही, साथ में एक इनका ट्विस्ट है, ये थोड़ा सा हल्का चटपटा टाइप का भी है। जैसे मैं आपको अगर सिर्फ आलू का एक बार टेस्ट बताता हूँ तो हल्का मसालेदार है, बहुत ही हल्का, जो कि इसको एक अलग ही ट्विस्ट दे देगा। बहुत ही बढ़िया, मेरे से रुका ही नहीं जा रहा। ये जो है पनीर पेपर डोसा, ज़रा उसमें आइए, ज़रा उसमें हाथ मारते हैं अच्छे से, बीच में से ये देखो ये निकला, और इसे चटनी, वाइट वाली चटनी के साथ आइए। फ्लेवर्स तो वही है आलू वाले, थोड़ा सा जो ट्विस्ट आ गया है टमाटर डालने से हल्का सा खट्टा हो गया है, और पनीर का अपना हल्का सा जो फ्लेवर है वो आपको मिल रहा है। तो ओवरऑल क्वालिटी बहुत बढ़िया है, प्राइसिंग थोड़ी सी ऊपर है, बट देन वो डिस्काउंट करके और नीचे हो जा रही है। बट जो इंग्रेडिएंट्स और साफ़ सफाई है अगर उसकी बात करें तो मुझे वैल्यू फॉर मनी लग रहा है। अगर आप आते हैं टेस्ट कीजिएगा, ट्राई करके मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपको कैसा लगा। फिलहाल जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं, क्योंकि देखो रखे रखे ना सॉगी होता जा रहा है हमारा क्रिस्पी डोसा। तो बस इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं, और हम लोग मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में। वेज की वीडियो थी, जैसे कि आपकी हमेशा डिमांड होती है कि वेज में कुछ लगी, तो वेज की वीडियो थी। बहुत अच्छा वेज का यहाँ पे ऑप्शन है, बगल में स्ट्रीट टेस्ट में भी आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर डोसा की ये नई रेंज आई हुई है, डोसा इडली सांभर। तो अगर आपको स्नैक्स में, नाश्ते में कुछ करना है, थोड़ा हैवी में भी खाना है, तो भी चीज़ें ऑप्शन अवेलेबल हैं। और हल्का फुल्का अगर पॉकेट फ्रेंडली चीज़ें हैं वो खाने हैं, तो चाइनीज़ साउथ इंडियन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको दोनों दुकानों में मिल जाएगा। तो बस इसको यहीं एंड करते हैं। और हाँ, एक बात और, घर बैठ के भी अगर आप मंगा के खाना खाते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, स्विगी जोमेटो सब पे अवेलेबल है ही। तो बस इसे, और हाँ यहाँ का जो नंबर है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। देखो कितनी सारी चीज़ें होती है बोलने के लिए, सामने इतना अच्छा खाना होता है। तो बस बहुत सारी चीज़ें थी, अगर मैं कुछ भूल गया होगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फिलहाल इसको ख़त्म करते हैं। मेरा नाम है रॉबिन, आप देख रहे हैं फूडी रॉबिन, और इस वीडियो को यही एंड करते हैं यार। बढ़िया बढ़िया था, मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वेज भी कभी कभी खा लिया कीजिए। चलिए।